हम कोई मुस्लिम कोई कोई मियाँ कोई कुल्हिया कोई के साथ नहीं रहेंगे हम हम रहेंगे तो अहिर जी का साथ में रहेंगे शादी होगा और वही जगह से मेरा आरती उठेगा उसका डोली जाएगा सजा के उसका गाड़ी पर दु, वो बन के जाएगा ना और हम दुल्हन बन के उसी के पीछे पीछे जाएंगे मेरा आरती उठेगा और आरती के साथ साथ सालेज भी जाएंगे मेरे साथ सर हम उसे इतनी प्रेम कर रहे ना अपना इज्जत को इज्जत ना देखें

पर पैर लगने हिम्मत मत करना माँ जो है, है मुसलमान है जो पिता है इनके यादव है जाति से और ये हिंदू हैं उसके बाद भी जब इनसे पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है तो इन्होंने कहा कि शैलेश से यादव अब ये लड़का भी दुविधा में पड़ा हुआ है कि आखिर हमारा क्या कसूर है कि हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और जो इनके दादा दादी हैं ये कह रहे हैं कि बबू आ द्वार पर मत आई द्वार पर आई बो तो तार खैर नहीं खे और ये बच्चा देखिए कि अब इस बच्चे का भविष्य दाव पर लगा हुआ है और ये सोच में पड़ा है कि आखिर हमारा क्या गुनाह है कि माँ बाप के झगड़े में हम पीछे जा रहे हैं और हमारा भविष्य खराब है पूजा भी करते हैं हम देखिए अभी भी सिंदूर है ना हाँ हमेशा साले जी को सजा के रखते हैं मांग में मेरा सिंदूर हमेशा कभी मेरा मांग सुना नहीं रहता है हम मतलब हिंदू बन चुके हैं अब उन्हीं के साथ रहना है। हम हाँ, उसे कहीं ना कहीं आ, जिस जाति से आती है उस जाति को, को छोड़ कर के जो शैलेश जी लड़के हैं वो यादव वर्ग से आते हैं और यादव वर्ग के होने के बावजूद भी इनका कहना है कि मैं मुस्लिम माँ थी लेकिन जब से उनसे प्यार हुआ जब से उनसे शादी हुआ तब से मैं हिंदू बन गई और उन्हीं के कास्ट बन गई हूँ और सबसे बड़ी पूर्णिया जिला की रहने वाली हैं और पूर्णिया में एक लड़के से प्यार होता है और प्यार के साथ ये दोनों लड़के एक साथ रहने और जीने मरने का कसम भी खाते हैं ये लड़की मुस्लिम है और जो लड़का है वो हिंदू है ये दोनों जात पात का बंधन तोड़ करके एक साथ रहने का और जीने मरने का कस्मे खाते हैं लेकिन देखिए कि साहब वही होता है कि एक लड़का अपने जाल में फंसाता है अपने चंगुल में फंसाता है इनसे सब को काम करता है इनके पैसे पर पैस, ऐश मौज सब करता है यहाँ तक कि उसके जो परिवार के लोग हैं जो उनके माता पिता हैं उनका भी ये इलाज कराती है ट्रीटमेंट कराती है अपने पैसे से और जब उनका मन भर जाता है तो लड़का और उनके परिवार के लोग इनको छोड़ देते हैं। आज ये रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपको एक और बात बताए कि वो लड़का से इस कदर प्यार करती हैं कि उसके याद में खाना पीना तक छोड़ दी है जी हाँ ये मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं ये खुद बोल रही हैं कि हम बस उसके याद में जीने के लिए पानी पी पी कर जी रहे हैं लेकिन वो हमको पूछने तक नहीं आ रहा है तमाम बातचीत करेंगे कि ये जो प्यार की शुरुआत हुई आखिर एक कहा जाता है कि जब हिंदू मुसलमान में शादी होती है प्यार होता है तो वो ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है और सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्रेम तो करती है अपना सब चीज़ झिछावर करती है लेकिन अंत में वही होता है जो इनको डर था और एक और बात बता दें कि ये पहले से शादीशुदा थी इनका एक बच्चा भी था इनका पति भी थे उनको लात मार के, उनको छोड़ करके उस लड़के को अपनाती हैं 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 उनके उनके साथ साथ रहने को तैयार होती उनके साथ भाग कर घर आती है। बहु भी रहती है नाचने पर मजबूर है क्यों क्योंकि अपना पेट पालने के लिए और इसी ऑर्केस्ट्रा कैसे अच्छा, क्या हुआ सर वो लड़का को नहीं जानते थे वो लड़का गया था जिला जैसे भी गाड़ी चलाते हैं तो नर काटने गया था हम लोग में वहीं पे बात हुआ था और बारह तेरह दिन बातें हुआ उसके बाद हम दोनों में प्यार हो गया तो वो मेरे को कॉल किया कि मुस्कान जी आइए आपको हम कुछ गिफ्ट देंगे तो हम बस स्टैंड आ गए बस स्टैंड जहाँ बोला हम आ गए तो वहाँ पे गाड़ी लगा हुआ था फोर व्हीलर तो वहाँ से मेरे को लेके आ गए वो जी हम पहले से मेरा शादी को डेढ़ दो साल हुआ था एक बच्चा जी एक लड़की भी है थे तो मार के यहाँ तक कि जो माँ बाप आपको गलती तो है तो क्या गलती है सर कैसा गलती है प्यार करना गुनाह है क्या नहीं नहीं मैं जितने जवान हुए थे ना सर मेरे माँ बाप शादी करवा दिया था मैंने कभी प्यार नहीं किया कोई लड़का से और हम जानते भी प्यार क्या होता है जब से का दिल लगा ना सर तो हम सब कुछ भूल गए हम घर से भाग गए लड़का के साथ में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्यों लड़का नहीं रख रहा है लड़का तो रखने के लिए तैयार है सिर्फ उसका घर वाले कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं उसको कि वो लड़के के साथ रहने नहीं देंगे हम वजह क्या वजह यही है कि धनजय जी साले जी से पिस्टल मांग रहे थे वो अपना बड़ा वाला भाई को मारने के लिए और हम भी लाइन पे ही थे हम मना कर साले जी की आप पिस्टल दीजिएगा तो बोले हमको है कहाँ के हम देंगे वो किसी से लेकर मांग रहे हैं हम लोग आप किसी ले कर दीजिएगा वो मार देगा फंस जाइएगा जी अपना भाई को मारने कोशिश कर रहा था उसको तीन लाख रुपया कर्जा दे दिया था सारे जमीन बोल रहे लोग कि वो बड़ा वाला भाई नाम में करवा लिया तो धनजय जी इसीलिए उसको मारने का धमकी दे रहे थे तो इसी को मना साले जी को ये सब फेरा मत पड़िएगा जो मार, मारेगा नहीं उसे उससे केस आपके ऊपर हो जाएंगे ये सब हम मना कर दिए तो वो तब से मेरे से दुश्मनी पैदा करने लगा जी डेढ़ साल से घर पे रहे जी यही सब बात हो गया पिस्टल उसको दिलवा देते तो अच्छा रहता नहीं दिए तो बहुत दिक्कत हो गई जी हमको सारे जी कस्टम रखवा तो मैं काम करती हूँ नहीं वो तो नहीं बोले थे वो मुझे रूम लेकर के दिए गोपालगंज में और उसके बाद फिर सिवान में रखा तो वहाँ से फिर कोई लड़की थी तो वो उससे बात किया कि मेरा बीबी को सिखा दो ना ये सब काम करने तो वो भी करेगी डांस तो हम धीरे 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 हम लड़की के साथ पूजा नाम से लड़की थी वो सिवान की रहा तो हम उसे सीखते गए सीखते गए तो जब वो चल जाते थे काम पे ना तो हम उसके साथ चल जाते थे तो उस टाइम दे रहा था पाँच सौ रुपये तो मुझे कुछ आता नहीं था उस टाइम प्रोग्राम करने तो ईस्टर से हमको लोग बोल रहे थे ना कि इसको जब आते इसको काये लाए तो हम रोने लगते थे तो हम अच्छा खासा दो हज़ार तीन हम मतलब इलाम पैसा उठा लेते थे, थे उस टाइम और पाँच सौ रुपया देता था वो भी पाँच सौ रुपया नहीं देता था बोलता था सकार लेके नहीं दे रहा था पैसा तो हम ऐसे ही खाते तो जब आता था तो पूछता था कहाँ गई थी पूरा मेकअप करके रखिए हमें हम तो प्रोग्राम में गए थे बात किए थे ना प्रोग्राम करने गए थे तो ऐसे ऐसे करके तब तो मुझे फिर वहाँ से लेकर के मधरपुर मतलब रखा राजेंद्र के पास उसके बाद फिर रखा चंदू के पास फिर रखा छोटू सिंह के पास उसके बाद फिर रखा वो गुड्डू है मनमली का उससे कोई लगते हैं उस उसके पास रखा मेरे को वो जहाँ जहाँ फिर चरोली में रखवाया फिर एक लालू नाम से लड़का है चरौली में फिर उनके पास रखवाया वो मुझे बहुत जगह रखवाया मैंने बहुत जगह रहे भी और जब जब बोलते थे कि हम घर जाएंगे हम नहीं रहेंगे सब काम नहीं करेंगे बोला नहीं अगर ऐसा, ऐसा नहीं कि है वो सर लड़की कोई जाती होते है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कार्ड डालेंगे इसको। पूरा घर वाले को सर जब मेरा इज्जत नहीं रखा है ना उन लोग मैं किसी की तरह रहने नहीं दूंगी सब जितना उस साले जी मतलब मेरे को लंगा नहीं किया था ना उसको कितना गुण मैं उसको लंगा कर रखूंगा उसका बहन को उस माई कोकर भाभी को सबको कर सब लंगा करेंगे हम शाला जी मेरा नहीं हुआ वरना किसी को होने नहीं देंगे सिर्फ सिर्फ मेरा होगा वो और किसी का नहीं क्योंकि मुझे घर से लेके भागा है उसको लेके हम नहीं भागे हैं वो मुझे लेके भागा है हम शादीशुदा थे वो सब कुछ जानता था मेरे लड़की की माँ थे वो सब जानती थी सब जानते थे क्यों लेके भागे भागे तो रखो नहीं रखोगे तो उसको हम काटा लेंगे हाँ मेरा बेटा को फसा रहे है सारे पैसा मैंने उसके घर वाले को दिया जितना मैंने कमाया सब उसका घर वाले को दिया उसके घर वाले जी मेरे पास उसके पापा की भी मतलब ये खाता नंबर है उसकी माँ का भी खाता नंबर सबका है मैंने सबके घर पैसा भेजा उनके घर वाले तो चाह रहे हैं कि उनका शादी दूसरे किसी और से हो क्या करेंगे उसका शादी होगा और वही जगह से मेरा आरती उठेगा उसका डोली जाएगा सजा के उसका गाड़ी पर दूल्हा बन के जाएगा ना और हम दुल्हन बन के उसी के पीछे पीछे जाएंगे मेरा आरती उठेगा और आरती के साथ साथ सालेज भी जाएंगे मेरे साथ सर हम उसे इतनी प्रेम कर रहे हैं ना अपना इज्जत को इज्जत ना देखें हम कोई छोटे घर का लड़की नहीं है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे क्या बोलेंगे अच्छा, माँ कुछ नहीं मेरे माँ बाप बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे पापा जेर भी खा लिया तो नहीं अभी जब मेरा ये सब देख रहे हैं ना वीडियो फेसबुक में भैया लोग देख रहे हैं ना तो मेरे पापा जेर खा लिए कि दुनिया इंसाफ हम करेंगे मेरा इंसाफ कौन करेगा मेरे बेटे ऐसा हो गए सर हम कहना यही चाह रहे हैं कि मेरे साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया है लेकिन अभी भी टाइम दे रहे हैं सुधरने की मौका है साले जैसे आठ साल नौ साल मेरे को अपना साथ रखा है ऐसे अभी भी वो अपना साथ मुझे रखे और नहीं रखेगा तो ये बहुत महंगा पड़ेगा उन लोग को आप एक धर्म से, से छोड़ प्रेम सर प्यार में धर्म कोई दिखाई नहीं देता हम हम हिंदू हैं सर सा। हम साले जी का कास्ट हो चुके हैं हम मुस्लिम नहीं है नहीं। सर हम मंदिर पूजा भी करते हैं हम देखिए अभी भी सिंदूर है ना हाँ हमेशा सा, साले जी को सजा के रखते हैं मांग में मेरा सिंदूर हमेशा कभी मेरा मांग सुना नहीं रहता है अब मतलब आप मुस्लिम से हिंदू बन चुके हैं हम हिंदू बन चुके हैं अब उन्हीं के साथ रहना है हम उसी के साथ रहेंगे हम कोई मुस्लिम कोई कोई मियाँ कोई कुलिया कोई के साथ नहीं रहेंगे हम हम रहेंगे तो अहिर जी के साथ में रहेंगे बस और किसी के साथ नहीं रह सकते हम चलिए ये लड़की जो है कहीं ना कहीं आ, जिस जाति से आती है उस जाति को को छोड़ करके आ, जो शैलेश जी लड़के हैं वो यादव वर्ग से आते हैं और यादव वर्ग के होने के बावजूद भी इनका कहना है कि मैं मुस्लिम माँ थी लेकिन जब से उनसे प्यार हुआ जब से उनसे शादी हुआ तब से मैं हिंदू बन गई और उन्हीं के कास्ट बन गई हूँ और सबसे बड़ी बात ये एक, एक, एक इन्होंने एक बात कहा कि लड़की का कोई जात नहीं होता है जी हाँ बिल्कुल ये बात हमारे हिंदू समाज में पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि लड़की का कोई जात नहीं होता है लड़की जिससे शादी करती है वही जात बन जाती है और प्यार में जाति पाति का तो बात ही नहीं आता है और प्यार ये नहीं देखता है कि कौन सा जात है कौन सीमा है कौन कौन डोम है कौन चमार है कौन दुसाद है कौन पंडित है प्यार तो प्यार होता है और प्यार प्यार में अक्सर लोगों को देखा जाता है कि अपनी हर सीमाओं को लांग जाते हैं यही खबर मैं दिखा रहा था और कहीं ना कहीं ये लड़की में नाराजगी है उस उनके प्यार को लेकर के उनके परिवार को लेकर के हालांकि जो इनके लड़के हैं जो इनको प्यार करते हैं वो आज भी इनको एक्सेप्ट करते हैं इनके साथ रहना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार के लोग का लोगबंदी नहीं है क्योंकि ये मुसलमान है और वो लड़का हिंदू है यही खबर है है कुमार आपकी मम्मी को छोड़ दिए आपको याद आती है पापा की आती है क्यों नहीं आप जाते हैं पापा के अब पापा बसमतपुर है हसनपुर है हुँ. अच्छा आपके बाबा और दादी आपको नहीं बुलाती है नहीं बुलाती है क्या कहती है बोलता है कि वहीं पर यहाँ पर पैर रखने का हिम्मत मत करना बोलती है कि पैर रखने का हिम्मत मत करना क्यों <coughs> भगा दिया है लोग भगा दिया है घर से हुँ. आपके मम्मी को भी भगा दिया है लो। <coughs> हाँ आप अपने पापा और अपने दादा, दादा दादी के पास जाना चाहते हैं <coughs> जाना चाहते हैं देखिए कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि माँ जो है मुसलमान है जो पिता हैं इनके यादव हैं जाति से और ये हिंदू हैं उसके बाद भी जब इनसे पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है तो इन्होंने कहा कि शैलेश से यादव अब ये लड़का भी दुविधा में पड़ा हुआ है कि आखिर हमारा क्या कसूर है कि हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और जो इनके दादा दादी हैं ये कह रहे हैं कि बबू आ द्वार पर मत द्वार पर आई बो तो तार खैर नहीं खे और ये बच्चा देखिए कि अब इस बच्चे का भविष्य दाव पर लगा हुआ है और ये सोच में पड़ा है कि आखिर हमारा क्या गुना है कि माँ बाप के झगड़े में हम पीछे जा रहे हैं और हमारा भविष्य खराब और मैं दिखा रहा था बने रहिए और देखते रहिए। ट्वेंटी फोर न्यूज मेरे सहयोगी हैं। टी एस एफ न्यूज